lagi. Abdi ko mo babagi pa. Ni man abi ko para mo dang ke sabda. Abdi ko i mo ni. Baba kar apne paas rakhega. Ya nahi ke aur ma. Karta ghar Rajasthan mein kaam. Ringas. Ringas hi hatega. ये खाटू श्याम जी का मंदिर ओपनिंग हुआ, मूर्ति का विस्थापन हुआ। यहाँ पर आपका जो पूजा पाठ होता है सुबह कितने बजे माने मंदिर खोलते हैं? मतलब बाबा का पाँच टाइम आरती होता है, उसमें बाबा का पाँच टाइम आरती होता है, उसमें मंगला आरती होता है 5:30 बजे और श्रृंगार आरती 7:30 बजे होता है। जब 5 बजे तो 5:30 बजे आरती होता है, उसके बाद में बाबा को बाल भोग का प्रसाद लगता है, उसके बाद में 7:30 बजे आरती होता है, उसमें दूध का भोग लगता है बाबा के, और 12 बजे भोग लगता है, उसके बाद में 12:30 बजे बाबा का भोग आरती होता है, और 1 बजे मंगल पट बंद हो जाता बाबा का, उसके बाद में 4 बजे पट खुलता है, उस टाइम पर बाबा को फल का भोग लगता है, और शाम को संध्या आरती फिर 6:30 बजे होता है, फिर बाबा को 8 बजे भोग लगता है और 9:30 बजे सेन आरती होता है और 10 बजे फिर पट बंद होता है बाबा का। मैंने दिन भर का यही रूटीन है, दिन भर का ये रूटीन। अभी मेन पुजारी कौन है? मेन पुजारी मैं हूँ, पंडित मोहनलाल शर्मा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान, हमारा राजस्थान रिंगस। हाँ, कहाँ के रहने वाले? रिंगस, राजस्थान। तो अब लगातार आप यहीं रहेंगे? हाँ, फिलहाल बाबा की ये कृपा से अगर हो सका तो यहीं पर बाबा की सेवा पूजा करने के लिए यहीं पर। आपका पिताजी का नाम? मेरा पिताजी का नाम सुबह श्री केदारमल जी सर। माता जी का नाम? माता का नाम श्रीमती हिंगलाज देवी सर। कौ भाई कौ बहन है? हम दो बहन और दो भाई हैं, दोनों बहन बड़ी है, दो भाई हम छोटे हैं। अच्छा, गुरुकुल में मैंने पढ़ने पड़ता है तो वो पहले बाबा के लिए सेवा पूजा के लिए सब कुछ सीखना पड़ता है। हाँ, उसके बाद में सेवा वो कहाँ सीखे? हर आदमी मतलब नहीं, वो जो गुरुकुल में जाते हैं तो वो गुरुकुल का जो शिक्षा है वो कहाँ पाप किए हैं आप? वो वहीं पर खाटू में। खाटू में? हाँ। खाटू कहाँ है? खाटू रिंगस से है, 17 किलोमीटर दूर आगे पड़ता है, जो खाटू नगरी बाबा का मेन मंदिर है। तो आपका तरफ से आसनसोलवासी को जो ये खाटू श्याम का अभी दर्शन का सुविधा मिल रहा है आसनसोल में, आसनसोलवासी को आपका तरफ से क्या मैसेज है, बात का क्या है? मतलब आसनसोल के जो निवासी लोग हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब उनके भाव बहुत अच्छा भाव है, बाबा के प्रति बहुत लगन है, श्रद्धा भाव है, और अच्छे मतलब अपने दिल से बाबा को पूजते हैं और अच्छी सेवा पूजा करते हैं, दिन भर मतलब बाबा की कतार लाइन लगी रहती है, और हम मैं तो आसनसोल के जो जितने भी लोग हैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि मतलब अधिक से अधिक बाबा को आकर के दर्शन का लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर में आए लोग और बाबा से प्रेम बढ़ाए।